ODT 100 mg टैबलेट जो कि बनाई जाती है एल्कम लेबोरेटरीज के द्वारा बनाई जाती है। सिपिक्सिन 100 mg रहता है, 90 रुपीज़ का ये पूरा स्ट्रिप रहता है जिसमें 10 टैबलेट रहती है। ये टैबलेट जो कि यूज़ होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ होती है। अगर आप इसको ज़्यादा यूज़ करो, डॉक्टर की सलाह से यूज़ नहीं करो, कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं इसका यूजर्स, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, कैसे यूज़ होता है, ड्रग कैसे काम करेगा, सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का, डोज मिस हो जाए तो कैसे लेने का, और इसका सब्स्टिट्यूट कौन कौन सा अवेलेबल है, तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा ताकि आपको टैक्सिंग ODT 100 mg टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है, मेडिकल और हेल्थ केयर स्टूडेंट के एजुकेशन पर्पस के लिए। तो कोई भी मेडिसिन या कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। टैक्सिम ODT 100 mg टैबलेट जो कि बनाई जाती है एल्कम लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाई जाती है। सिपिक्सिन 100 mg रहता है और 90 रुपीज़ का ये 10 टैबलेट का पूरा स्ट्रिप रहता है। ये टैबलेट जो कि एक एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है, जो कि सिपिक्सिन इसके अंदर डिस्पोजेबल टैबलेट 100 mg रहता है, जो कि बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है, यूरिनरी ट्रैक में होता है, ईयर, नोजल्स, थ्रोट्स और बहुत सारे अदर पार्ट में होता है, तब इसको यूज़ किया जाता है। तो ये टैबलेट क्या करती है कि ट्रीटमेंट करती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का। अगर आप इसको ज़्यादा ले रहे हो, डॉक्टर की सलाह से नहीं ले रहे हो, कंटिन्यूसली ले रहे हो, तो कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि आपको नोजिया हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है, ये सब कॉमन साइड इफेक्ट है जो कि आपको हो सकता है। तो जब भी इसको यूज़ करें तो डॉक्टर की सलाह से यूज़ करें, डॉक्टर जितना जो ड्यूरेशन बोले उतना यूज़ करें और इसका फिक्स टाइम और फिक्स डोज रखें ताकि बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो टैक्सिम ODT 100 mg टैबलेट काम कैसे करती है, तो इसके मैकेनिज्म की बात करूँ तो इसके अंदर जो दवाई डाली गई है वो सिपिक्सिन है, वो एक एंटीबायोटिक्स है जो कि किल करती है बैक्टीरिया को और प्रिवेंट करती है बैक्टीरिया के सेल्स वाल को, जिससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया को जीने के लिए जो फूड रिक्वायर्ड रहता है तो वो नहीं मिलता, जिससे बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता। तो ऐसे काम करती है टैबलेट। तो इस टैबलेट के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पर पूछ सकते हो। चैनल पर और वीडियो पर पहली बार आप विजिट किए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।